हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मनोज फूडकास्ट। तो आज की जो वीडियो है बहुत स्पेशल है क्योंकि एक साइड डिश है जो कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और इसको मोस्टली हमें दोपहर में दाल चावल के साथ खाना बहुत ही पसंद है। ये जितना ही सिंपल जितना ही डिलिशियस है उतना ही ईजिली ये बन भी जाता है। इसको कहते हैं परवल और आलू की कलौजी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने परवल को लिया था, सबसे पहले मैंने परवल को भिगो लिया था। भिगो के मैंने इसको थोड़ी देर के लिए वॉश किया। वॉश करने के बाद इसको मैंने अच्छे से ड्राई किया और ड्राई करने के बाद एक एक परवल को उठाया मैंने और उसको अच्छे से मैंने बीच से कट किया था। आपको ध्यान देना है कि आपको पूरे परवल को नहीं कट करना है, आपको बस बीच में हल्का सा कट करना है ताकि उसके अंदर आप जो भी फिलिंग्स हैं उसको आप उसमें फिल कर सको। तो एक एक करते हुए मैंने सबको भरा और फिर उसके बाद मैंने 3-4 आलू लिए थे। आलू को मैंने अच्छे से छीला, छीलने के बाद उसको मैंने कट कर लिया था। मेरी जो आलू थी वो गोल शेप में थी, बट कुछ बहुत ज़्यादा पतली थी और कुछ थोड़ी मोटी थी, बट इससे कोई इशू नहीं है, ये कुक हो जाते हैं अच्छे से क्योंकि ये काफ़ी देर तक कुक होते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं होगा। आप जैसे चाहें वैसे इसको कट कर सकते हैं। अब इन सबको कट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप था हमारा, हमें थोड़ा सा लहसुन चाहिए था और साथ में हमें हरी मिर्च चाहिए थी। इन दोनों को लेकर के हमें इनका पेस्ट बनाना है। तो सबसे पहले मैंने जार लिया और जार में मैंने अपने लहसुन को और अपने मिर्च को अच्छे से डाला और डालने के बाद मैंने इसका एक पेस्ट प्रिपेयर किया। हमारा जो पेस्ट है वो अब रेडी है। इसका जो पेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा महीन भी नहीं था और बहुत ही ज़्यादा दरदरा भी नहीं था, मीडियम ही था। अब हमें क्या करना है, हमें पचफोरन को, लाल मिर्च को अच्छे से भूनना है और उसका एक पाउडर बना लेना है और फिर उसमें हम ऐड करेंगे आमचूर पाउडर और साथ में जाएगा हमारा धनिए लहसुन और मिर्च का जो पेस्ट था। इसको डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है इसका जो फ्लेवर होता है उसको इन्हेंस कर देता है। हमने इसमें सरसों का तेल ऐड किया और फिर उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप अपने टेस्ट के हिसाब से उसमें नमक डाल सकते हैं। मैंने छोटा चम्मच इसमें नमक डाला था, उसको अच्छे से मैंने प्रॉपरली मिक्स किया। अब आती है बारी फाइनल स्टेज की, यानी कि अब हमें इस पेस्ट को भरना है हमारे कलौजी के अंदर। तो हमने जो कलौजी में कट लगाई थी हमें ध्यान देना है कि हम उसके अंदर अच्छे से फिल करें। अगर हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे तो उसका टेस्ट नहीं आएगा, तो इसलिए उसको अपने अंगूठे की मदद से अच्छे से धीरे धीरे उसमें फिल करें ताकि उसकी जो फिलिंग है वो प्रॉपरली अंदर चली जाए और जब वो कुक हो तो वो प्रॉपरली अच्छे से कुक हो जाए। अब वैसे ही जो आलू वाला है, आलू के अंदर तो हम डाल नहीं सकते। सबसे पहले मैंने आलू के ऊपर ही लगाना चालू किया था, बट फिर मुझे लगा ये बहुत ही लेंथी हो जा रहा है, तो फिर उसके बाद मैंने दो आलू लिए और उन दोनों का सैंडविच बनाते हुए मैंने इसको फिर प्रिपेयर कर लिया। ऐसे ही करके मैंने धीरे धीरे सब में इसको अच्छे से फिल किया और फिल करने के बाद रेडी था हमारा। अब चलते हैं इसके कुकिंग के प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले मैंने गैस ऑन किया और फिर उस पर मैंने रख दी कढ़ाई। हालांकि आप कोई भी कढ़ाई यूज़ कर सकते हो, बट लोहे की कढ़ाई में इसका जो फ्लेवर होता है बहुत ही अच्छा आता है। मैंने कढ़ाई को अच्छे से साफ़ किया, थोड़ी देर उसको गर्म होने दिया और फिर उसमें मैंने ऐड किया सरसों का तेल। सरसों का तेल डालने के बाद जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाए हमें उसमें धीरे धीरे करके एक एक कलौजी को अच्छे से उसमें रख देना है ताकि वो बढ़िया से कुक हो जाए। सारी कलौजी आप एक साथ ही रख दो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और वो अच्छे से धीरे धीरे धीमी आंच पे बहुत ही अच्छे से कुक हो जाएगा। तो मैंने ऐसे ही सारे परवल के और साथ ही में जो भी आलू के थे मैंने उन सबको उसमें अच्छे से रख दिया कढ़ाई में। अब रखने के बाद हमें इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, हमें इसको ढक करके कुक करना है नियर अबाउट 10 मिनट, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए, हमारा जो आलू है वो भी सॉफ्ट हो जाए और हमारा जो परवल है वो भी अच्छे से कुक हो जाए। इसको मैंने ऐसे ही रख दिया था 10 मिनट के लिए और फिर उसके बाद मैंने इसको एक बार चलाया तो ये रेडी हो गया था लगभग में। मैंने बस इसको इसलिए चलाया ताकि ये पकड़ ना ले नीचे से, बट ये फिर भी अच्छे से कुक हो गया था बिना पकड़े हुए और फिर ये हमारा रेडी था। यहाँ पे मैंने इसको लास्ट टाइम एक बार सर्व करने से पहले चलाया और फिर मैंने इसका फ्रेम बंद किया और फिर मैंने इसको सर्व किया और इन्जॉय किया दाल रोटी सब्जी के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस था। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।